Tom as forward, third mate of a foreign ship, and 34 friends at Coil Book Tattoo Studio, Chandigarh. मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में. दर्शकों ने प्रश्न किए हैं मेरी पिछली कंपनी के बारे में जो है सेवन आइलैंड्स. दर्शकों ने कहा इसका रिव्यू करें, मैं इसका रिव्यू करने जा रहा हूं और जो जो प्रश्न आपने कहे मैंने लिखे हुए हैं मैं साथ साथ में कहते जाऊंगा. आपका पहला प्रश्न, ये कंपनी कैसी है, क्या ये कंपनी अच्छी है या ये घटिया है, क्या कसौटी है जिससे आप तय करते हैं कि कंपनी अच्छी है या घटिया है या बहुत घटिया है. आमदनी, कोई कंपनी आपको कितनी आमदनी दे पा रही है इससे साफ हो जाता है कि वो कितनी अच्छी कंपनी है या कितनी खराब कंपनी है. सेवन आइलैंड्स के ओनर इंडियन है, ये इंडियन कंपनी है, इंडियन क्रू रखती है, इंडियन रुपीस में ये आपको सैलरी देती है. यहां से सिद्ध हो जाता है घटिया कंपनी होगी. मेरा रैंक थर्ड ऑफिसर और मेरी पिछली सैलरी थी 80,000 रुपए. ये बहुत कम सैलरी है एक थर्ड ऑफिसर के लिए. एक एबी के लिए ये सही सैलरी थी लेकिन ये थर्ड ऑफिसर के लिए बिल्कुल सही सैलरी नहीं है. अब मैंने सुना है सैलरी बढ़ गई है, 1,00,000 रुपए हो गई है, ये भी बहुत कम सैलरी है. एक एबी के लिए, एबल बॉडी सीमैन के लिए 1,00,000 रुपए सैलरी ठीक है लेकिन थर्ड ऑफिसर के लिए बिल्कुल बेकार. इससे पता चलता है ये बिल्कुल घटिया कंपनी है. इस कंपनी में इनकम टैक्स भी है क्योंकि जो शिप्स हैं उनका कोस्टल रन है. कोस्टल रन मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय अपनी अंतर्राष्ट्रीय नहीं चलता, ये भारत में ही चलता है, कोस्ट टू कोस्ट चलता है. जो मेरा पिछला जहाज था मोटर टैंकर कोरोनेट वो ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट चलता, वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट चलता, कभी कभी एक ही ईस्ट कोस्ट में ही कुछ पोर्ट्स बदलता, इस प्रकार से ये जहाज चलता था. अब जब भारत में ही चल रहा है लगातार जहाज तो इनकम टैक्स लगना तो जरूरी है. इनकम टैक्स ना लगे इसके लिए 183 डेज के लिए जहाज भारत ना आए. ये छोटी सी चीज होती है. ये इस कंपनी के जितने जहाज हैं सारे कोस्टल रन पे हैं, इंडियन कोस्ट पे ही चलते हैं. क्या इस कंपनी में प्रमोशन जल्दी होती है? कंपनी जितनी घटिया होगी प्रमोशन उतनी जल्दी होगी. ये बिल्कुल घटिया कंपनी है, प्रमोशन इसमें जल्दी हो जाती है. क्या ये कंपनी फ्रेशर्स को लेती है? बिल्कुल फ्रेशर्स को लेती है. मेरे जहाज पे कप्तान फ्रेशर, फोर्थ थर्ड इंजीनियर फ्रेशर, सेकंड इंजीनियर फ्रेशर और बहुत सारे एबी फ्रेशर, बहुत सारी रैंक्स फ्रेशर की थी. ये सभी फ्रेशर्स को ले लेती है. देखिए घटिया कंपनी का बहुत आसान है, घटिया कंपनी में सैलरी कम होगी, वो फ्रेशर्स को लेगी, वो प्रमोशन जल्दी करेगी. ये चीज़ें याद रखें आप. कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार के हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर्स के लिए 6 महीने. अच्छी कंपनीज में क्या होता है, जो टॉप 4 रैंक्स हैं, टॉप 4 रैंक्स कौन सी, कप्तान, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर और सेकंड इंजीनियर, ये 4 रैंक्स हैं टॉप 4 रैंक्स. अच्छी कंपनी में होता है ये जो टॉप 4 रैंक्स होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है सिर्फ 4 महीने का. घटिया कंपनी में ऐसा नहीं होता, घटिया कंपनी में सभी अफसरों का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है. इस कंपनी में भी ऐसा ही था. और इसके सिवा जो क्रू था उनका 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था. वेटिंग पीरियड इसमें कैसा है? देखिए वेटिंग पीरियड इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये एक अच्छी बात है इसकी. आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, जल्दी जल्दी आप दोबारा ज्वाइनिंग कर लेते हैं. इसकी फ्लीट बढ़ रही है. फ्लीट का अर्थ है कि एक कंपनी में कितने सारे जहाज हैं, इतने सारे जहाज हों इसको फ्लीट कहते हैं. इस कंपनी में फ्लीट बढ़ रही है, ये नए से नए टैंकर्स, नए से नए नहीं, जो पुराने पुराने टैंकर्स हैं वो खरीदते जा रहे हैं, ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स ये खरीदते जा रहे हैं और इनकी फ्लीट बढ़ रही है. इसलिए इनको फ्रेशर्स की भी आवश्यकता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्रू की भी आवश्यकता है और मैंने बता ही दिया फ्रेशर्स को एकदम उठा लेती है. और वेटिंग पीरियड भी कम है. ये क्यों है? क्योंकि इनकी फ्लीट बढ़ती जा रही है.
फूड, खाना यहाँ पे कैसा है? खाना ठीक है, सही है, मात्रा अच्छी है, ऐसा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि इतना सही खाना मिलेगा, ज्यादा खाना नहीं मिलेगा, जितना मर्जी खाएं आप। दूध और जूस कैसे मिलता है या नहीं? देखिए, दूध और जूस मिलता है। जहाज पे क्या होता है, जो आपका नाश्ता होता है उसमें आपको दूध और जूस मिलता है। जो घटिया कंपनियां होती हैं उसमें दूध या जूस कोई एक चीज ही मिलती है, और अच्छी कंपनियों में क्या होता है, ये दूध और जूस के लोग काफी दीवाने होते हैं, और ये सुबह निकाला जाता है और सारा तो खत्म हो नहीं पाता, तो ये फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि जो आपका ब्रेक टाइम होता है उसमें आके आप पी लें। जो घटिया कंपनी होती है वो दूध और जूस को बचाने की कोशिश करती है, जैसे कि ये कंपनी है, तो ये सुबह में देती है, किसी ने पी लिया ठीक, और जो जो बचा वे वापस उठाकर अपने पास रख लेते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं। जो ब्रेक्स होती हैं, ब्रेक्स में आपको दूध जूस नहीं मिलता, आप चाय पिए। क्या यहाँ पे मूसली मिलती है? देखिए, अच्छी कंपनी होती है उसमें मूसली मिलती है, और रोज भी आप खा सकते हैं। इसमें ये जो कंपनी है इसमें मूसली थी, थोड़ी सी थी, वो हमने खाई, खत्म हुई, और ऑर्डर ही नहीं की गई क्योंकि मूसली महंगी होती है, इसलिए इन्होंने दोबारा ऑर्डर की नहीं। मैंने आपको बताया कोस्टल रन होता है, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट, या एक ही कोस्ट पर, एक ही साइड पर अलग अलग पोर्ट्स बदलते रहना। तो जल्दी जल्दी पोर्ट आता है, आपका जो वॉयेज होता है वो बहुत छोटा होता है, आपकी जो यात्रा होती है बहुत छोटी होती है, हो सकता है 4 दिन की यात्रा हो सकता है 5 दिन की यात्रा हो सकता है 2 दिन की यात्रा हो सकता है 1 दिन की यात्रा हो। इसके कारण बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है, बहुत व्यस्त दिनचर्या हो जाती है, और आपने रेस्ट आवर्स के बारे में पूछा इसलिए ये मैं बात कर रहा हूँ। रेस्ट आवर्स बिल्कुल फॉलो नहीं किए जाते हैं, जितनी कम वॉयज होएगी, जितनी छोटी वॉयज होएगी उतना रेस्ट आपका खराब होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी पोर्ट आ रहे हैं, जल्दी जल्दी पोर्ट आ रहे हैं, इसका मतलब जब पोर्ट आता है उस समय सारे लोग उपस्थित होते हैं मूरिंग के लिए, मूरिंग ऑपरेशन के लिए, किसी का सोने का समय होगा, किसी का रेस्ट का टाइम होगा, किसी की ऑफ ड्यूटी आवर होगा, लेकिन यदि बंदरगाह पे पहुंच रहे हैं या बंदरगाह से निकल रहे हैं तो सभी को उपस्थित होना आवश्यक होता है, इसलिए बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल होता है, रेस्ट आवर्स आपके फॉलो नहीं होते हैं और ओवरवर्क हो ही जाता है। पेपर वर्क के बारे में आपने पूछा, देखिए पेपर वर्क ऐसे कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, नॉर्मल ही है, सामान्य है, जितना हर एक कंपनी में होता है उतना ही पेपर वर्क है, लेकिन पेपर वर्क करते कब है, जब हम सेलिंग पे होते हैं, जब हम सेलिंग पे होते हैं तो हमारे पास समय होता है पेपर वर्क करने का, लेकिन जब हम पोर्ट में होते हैं तो कार्गो ऑपरेशंस चल रहे हैं, उस समय पेपर वर्क करने का समय नहीं होता, और जो वॉयेज है वो छोटी सी है, 1 दिन 2 दिन की, यानी कि 1 दिन का सेलिंग मिल रहा है या 2 दिन का सेलिंग मिल रहा है, इसके दौरान अधिक से अधिक पेपर वर्क इसी समय पे करना पड़ता है, तो इस प्रकार से बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। आपने पूछा पार्टी, देखिए पार्टी अच्छी कंपनियों में होती है, ये तो बहुत गई गुजरी कंपनी है, यहाँ मूसली नहीं मिल रही, आप सोच रहे हैं यहाँ पार्टी होगी, बिल्कुल नहीं, अधिकतर अच्छी कंपनी में होता है, कंपनी की तरफ से भी कुछ मादक पदार्थ मिल जाते हैं, कुछ मधुशालाएं मिल जाती हैं, और कप्तान भी कभी कभी दिलदार होते हैं, बड़ी कंपनियों में होती हैं दिलदार, इस मामले में मधुशाला खरीदने के मामले में कप्तान भी मधुशाला खरीद लेते हैं पार्टी के लिए, और कंपनी भी देती है अपनी तरफ से मधुशालाएं पार्टी के लिए, तो बड़ी कंपनीज में ही पार्टीज होती हैं, ये तो बहुत घटिया कंपनी है, यहाँ कहाँ पार्टी होती, यहाँ जूस और दूध की भी कड़की लग जाती है, मादक द्रव्य पदार्थ मुश्किल है।
रिक्रिएशन फैसिलिटीज, मनोरंजन के लिए क्या? देखिए अधिकतर हर एक जहाज पे मनोरंजन के लिए जिम होता है और पिंग पोंग टेबल टेनिस आवश्यक होता है। जिम के किस कौन से जहाज पे होता है? देखिए जिम ये कंपनी पे निर्भर नहीं करता, जिम निर्भर करता है जहाज पर। जब जहाज बनाया गया था उसी समय जिम बनाया गया या नहीं बनाया गया? यदि उस समय बनाया गया तो जिम होगा, यदि उस समय ही नहीं बनाया तो जिम नहीं होगा। मेरे पिछले जहाज में जिम था क्योंकि जहाज खरीदा गया था एक बहुत महंगी कंपनी से, बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम, वहां से खरीदा गया था जहाज, इसलिए जहाज भी अच्छा था और उसमें जिम भी थी। अब पिंग पोंग टेबल टेनिस इस जहाज पे नहीं था। तो जब पिंग पोंग टेबल टेनिस गेम्स ये सारी चीजें जहाज पे निर्भर नहीं करती, ये कंपनी पे निर्भर करती है। ये आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप कभी भी जहाज खरीदें और कभी भी गेम्स ऑर्डर कर लें, कोई समस्या नहीं। अधिकतर जहाजों पे क्या होता है, कैरियोके प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स या और कोई वीडियो गेम और डार्ट, वो जो आप देखते हैं जो बार में तीर ऐसे मारते हैं निशाने पे, वो होते हैं, चेस होती है, चेकर्स और बोर्ड गेम्स, ये सब बहुत सस्ती चीज़ें होती हैं, अधिकतर कंपनीज ये सब चीज़ें खरीद के रखती हैं। इस जहाज़ पे कुछ भी नहीं था, इस जहाज़ पे इस कंपनी में कोई गेम्स नहीं ऑर्डर की जाती। गेम्स तो क्या, यहाँ पे आप अगर रिक्रिएशन रूम में जाएंगे तो सीडीज भी नहीं होती हैं, और सीडीज नहीं होती हैं, टीवी होता है बस, और डीवीडी प्लेयर होता है लेकिन कोई सीडी नहीं होती है। ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि अक्सर क्या होता है, हर एक पोर्ट पर एजेंट को हम ऑर्डर करते हैं कि ये सीडीज आप खरीद के दें हमें, ये गेम्स खरीद के दें। इस कंपनी में कुछ नहीं होता। इस कंपनी में क्या हुआ था, जब ये जहाज खरीदा गया था मोटर टैंकर कोरोनेट, यहाँ पे प्ले स्टेशन भी थी और बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम भी था, कैरियोके भी था, ये सब चीज़ें चुरा ली गई। जब भी जहाज बेचा जाता है तो उसका क्रू अधिक चीज़ें चुरा लेता है, खासकर की गेमिंग कंसोल्स और खासकर क्या, जो जो वो चुरा सकता है चुरा ही लेता है। ऐसा होता है जब भी कोई जहाज बेचा जाता है उसका क्रू सामान गायब कर देता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई इसमें है कि कंपनी ऑर्डर नहीं कर रही और सामान। और आपने पूछा, कुछ कांड बताएं, कुछ कहानी बताएं, और आपको इस कंपनी में क्या समस्या आ गई थी जो आप दोबारा नहीं जा रहे? देखिए मुझे कांड बताने का ज्यादा शौक नहीं, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बताता हूं। ये इंडियन कंपनी है, भारतवासी इसमें होते हैं, सारा क्रू भारतीय है, और जब भारतीय इकट्ठे हो जाएं तो वही बिग बॉस का सीजन शुरू हो जाता है, चुगलियां, चमचागिरी, लड़ाइयां, बहसबाजी, गाली गलौज, ये सब स्वाभाविक है। ऐसा होता रहा है इस कंपनी में, किसी की किसी से नहीं बनती, पीठ पीछे सब एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। मेरे जहाज में एक कहानी थी कि एक कप्तान ऐसा था कि प्रोविजन अच्छा नहीं देता था, प्रोविजन मतलब फूड, जो खाना होता है वो ऑर्डर कौन करता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, कप्तान की। अब उस कप्तान ने कुछ अच्छा ऑर्डर नहीं किया और कुछ पैसे खा लिए और सब लोगों को परेशान भी करता था, तो सब लोगों की लड़ाई हो गई उससे, सब लोगों ने उसकी कंप्लेन भी की, और सेकंड ऑफिसर की तो ऐसी लड़ाई हुई कि वो कंपस लेकर उनके पीछे भागे, और पीछे पीछे सेकंड ऑफिसर दौड़ रहे हैं कंपास हाथ में, आगे आगे कप्तान साहब दौड़ रहे हैं,
ऐसे करते करते कप्तान अपने कैबिन में गए और अपने आप को लॉक कर दिया और फ़ोन किया चीफ ऑफिसर को कि मुझे बचाओ भाई, ये सेकंड ऑफिसर मुझे मार देगा। एक ये कहानी है। दूसरी कहानी मेरी, मुझे क्या समस्या है इस कंपनी में और मैं क्यों नहीं जा रहा दोबारा, मैं क्यों नहीं जा रहा दोबारा, मैं जा ही नहीं सकता हूँ। मुझे इस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। इस कंपनी में नए कप्तान आए जिनका नाम था कप्तान मुकेश शेखावत, जो कि फर्स्ट प्रमोशन पे आए और बहुत ही अहंकारी, बहुत ही परेशान करने वाले। पूरे जहाज़ में हर एक आदमी का नाक में दम इन्होंने कर दिया। चीफ इंजीनियर तक इनसे परेशान थे कि ये बड़े ही मूड किस्म के व्यक्तित्व हैं इनका। मेरे साथ बहुत समस्याएं आई, हर एक चीज़ में आनाकानी, हर एक चीज़ में समस्या, परेशानी, टांग अड़ाना, वो सब चल रहा था। इन्होंने मुझे बाहर क्यों निकाला? क्योंकि बात कुछ ऐसी हुई, इन्होंने कहा कि दाढ़ी काटो। मैंने दाढ़ी नहीं काटी और इससे उनके अहंकार पर चोट आ गई और उन्होंने लगातार कंपनी को मैसेज किया कि या तो इस थर्ड ऑफिसर को निकालो या मैं उतर जाता। अब कप्तान वो थे नए प्रमोशन वाले, बहुत ही कम सैलरी में आए थे, इतना सस्ता कप्तान ढूंढना आसान नहीं। थर्ड ऑफिसर तो जहाँ कहीं हाथ मारो वहाँ से निकल आते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाला। तो ये समस्या आई थी, इसलिए मैं ये दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर सकता। और कोई प्रश्न आपका हो, आप टिप्पणी में, कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं सदा आपके साथ हूँ। सौरभ भट्ट आउट।